गाड़ी हो रही है यहाँ पे एक्टिवा से टॉर्चन करके लाए हैं भैया। क्या हो गया भैया इसमें? नहीं है, मैं दूर से दिखा रहा हूँ, देख लो पूरा सब कुछ प्रूफ है सामने। देखो ये सिस्टम है, गाड़ी चल नहीं रही है, सबसे घटिया गाड़ी है। 15 दिन हुए लिए हुए गाड़ी को, 15 दिन में ये हालत है। गाड़ी क्या बनाई है देख लो दोस्तों, आज मैं बता देता हूँ आपको, ये मैंने स्टैंड ऊपर करा, ठीक है लोगों। सो दोस्तों आपने यहाँ तक तो देखा था कि पिछली बार वीडियो के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बट इन सभी के बाद में आज एक फिर से एक और वीडियो आया मेरे सामने जो शायद तक आपको देखना जरूरी है और ये आपके लिए बहुत ही लाजवाब होगा, तो ये वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। ये मेरी गाड़ी है ओला S1 प्रो RJ25 SY0609। ये अभी इसको थोड़ी देर खड़ा रखा था मैंने, चलते चलते रास्ते में अचानक बंद हो गई। इसमें कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ना मोबाइल से अनलॉक हो रही है, अन्यथा ना किसी बटन पावर बटन कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा। रिबूट करके देखा, रिबूट भी कुछ भी काम नहीं कर रहा, स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी ट्राई करने के बाद देखा इसको तो कुछ भी वर्क नहीं कर रही मेरे अकॉर्डिंग। कंपनी को फ़ोन लगाया मैंने अभी तो कंपनी वालों ने मेरे को बोला कि भी थोड़ी देर में आपके पास बंदे भेजता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे लगभग 10-15 मिनट हो चुकी है, 10-15 मिनट में इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब ये तो मुझे भी पता नहीं है इसमें शायद क्या हुआ है, अचानक क्या प्रॉब्लम हुई। अभी चालू कंडीशन में थी, मैंने रोका था इसको, रोकने के बाद इसको स्टार्ट किया तो पासवर्ड का इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आया। और इस वीडियो के आने के बाद में मैंने तुरंत भैया को कॉल लगाया ताकि मेरी तरफ से अगर उनको कोई सपोर्ट हो सके या हेल्प हो सके, तो मैंने उनको कॉल लगाया। तो कॉल रिकॉर्डिंग क्या थी मैं आपको ये भी सुनाता हूँ, और अगर जयपुर के अंदर आप रहते तो आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो प्लीज मेरे कमेंट करें और मुझे जरूर बताएं दोस्तों। कम से कम आधा घंटा तक बैठा था मैं रोड में, आधा घंटे तक बैठे रहे। मैंने वहाँ फोन किया, वो बोला कि मीटिंग में थोड़ा करता हूँ अभी, फिर मैंने बेच भी किया, मैंने भाई आएगा कोई। हाँ। फिर उस बंदे का फोन आया कि क्या होगा आपकी गाड़ी में, मैं बंद हो गई आप मान सरोवर पड़ा हूँ मैं। हाँ। फिर बोला ठीक है अभी तो करते हैं। अच्छा। मैंने लगभग जब तक मुझे 20-25 मिनट हो चुके थे। अच्छा ये बात फोन करने के बाद की है क्या? हाँ? मतलब आपने फोन करा उसके बाद में 25 मिनट हो गए थे क्या ये? फिर आपने नहीं, 25 मिनट हो चुके थे मेरे को फोन करने के बाद। अच्छा। फिर मैं देखता रहा, मैंने कहा यार क्या करो, रिबूट भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, मतलब ये। हाँ। ना एप्लीकेशन में दिख तो रहा है, लेकिन एप्लीकेशन वो दिखा रहा फेल्ड फेल्ड करके दिखा रहा है, स्कूटर इश्यू स्कूटर ऐसे कुछ। डिस्कनेक्ट हो गई आपकी गाड़ी? हाँ डिस्कनेक्ट हो गई थी, और उसमें ये तो दिखा रहा है कि सिलिंग नहीं है, ऑन है। अच्छा ये भी ऑन भी दिखा रहा है? ऑन भी दिखा रहा, स्लिपिंग नहीं है। अच्छा। पर उस पे अगर प्रेस कर रहा हूँ ना मैं लॉक पे खोलने पे। हाँ। तो उसको ओके होने के बाद में खुल नहीं रहा उससे कुछ भी। अच्छा। तो अभी अभी जस्ट चालू हुई है, अब मैं रोक रहा नहीं हूँ, वहीं जा रहा हूँ पहले। नहीं सही है यार, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ वही तो मैंने रोकूंगा नहीं बीच में, खाए और बंद हो जाए कुछ भी हो जाए। हाँ। तो अभी वहीं जा रहा हूँ, क्या बोलते हो? नहीं नहीं कोई दिक्कत, फिर भी कोई हो ना आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरे को बता देना है ना। ठीक है, चलो ठीक है भाई। सो हेलो जी, तो ये थी आज की स्टोरी, और इसके अंदर भैया ने किस तरीके से मुझे बताया, मैंने आपको पूरी वीडियो सॉरी रिकॉर्डिंग सुनाई है और मैंने आपको छोटा सा क्लिप भी दिखाया था। आप देखते हैं कल भैया का क्या गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या सॉल्यूशन होता है। अभी तक भैया का फोन आया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू होता है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो बनाकर आप सेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी RK व्हीकल ब्लॉग्स के नाम से है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, एक नई शुरुआत के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सपोर्ट कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अपना प्यार मोहब्बत इस जज्बात यूँ ही बनाए रखें। मिलते हैं नई शुरुआत के साथ में।